माँ क्या हुआ कृतिका? माँ ये रोशनी के वॉशरूम से मुझे मिला। तो प्रेगनेंसी की पिल्स है, इसका मतलब है कि रोशनी प्रेग्नेंट है? जी हाँ माँ। रेत सी बूंद का जरिया तू पा कि तुझे भीग जाऊं रे, मैं रेत सी बूंद का जरिया तू पा कि तुझे भीग जाऊं रे, मैं तर जाऊं तर तर जाऊं तर जाऊं जी, इश्क ये पाके मैं तेरा निखर जाऊं रे, पिया बस तेरी हो झूले तो खरी मैं, तो खरी मैं खरी मैं। सिर्फ एक माँ ही समझ सकती है कि प्रेगनेंसी के दौरान कैसी सावधानी बरतनी चाहिए। आप घबराइए मत, कृतिका रोशनी के वॉशरूम में गई थी और उसने वहां पर प्रेगनेंसी पिल्स देखी है। हम जानते हैं कि रोशनी प्रेग्नेंट है और ये तो बहुत खुशी की बात है हम सबके लिए। मैं समझती हूँ कि आपने ये सारी बातों को छुपाए रखा क्योंकि ये मैटर ही इतना सेंसिटिव है और आपने तो इतनी शांति से इस बात को छुपा कर रखा है। पर वैसे भी हमारे बच्चों को दूसरे लोग समझे ये जरूरी थोड़ी ना है। आपके घर में नानी मासी हैं, मेरे यहाँ बुआ दादी हैं, वो लोग पुराने ख्याल वाले लोग हैं, वो नहीं समझेंगे और बेहतर यही होगा कि ये बातें हम उनसे छुपाए रखें। मैं समझती हूँ कि आपने शादी के लिए हाँ इसलिए कहा है क्योंकि रोशनी प्रेग्नेंट है। देखो जी कितनी फीकी फीकी साड़ी है और लगता है कहीं से सस्ते में उठा लाए हैं। खुद देखो कितनी पारी पारी साड़ियां पहनते, तड़क बड़क वाली। वो जो है ना डीडी पटेल, वो भी पहनती है, वो भी पति के मरने के बाद खसमानु खानी। बुआ दादी ये साड़ियां जिन्हें आप सस्ती कह रही है ना, मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि मुंबई के सबसे महंगे स्टोर से आई है साड़ियां। और जहां तक सवाल है मेरी सासू माम का, वो बहुत क्लासी औरत और सारी जिंदगी इतनी क्लासी रहने वाली। हाँ उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो अपनी जिंदगी का तरीका, अपने जीने का सलीका चेंज कर देंगी। और हाँ, अगर आपको ये साड़ियां बहुत खराब लगती हैं, सस्ती लगती हैं, तो हमारे यहाँ किस चीज की कमी है? चलिए मेरे साथ कभी, मैं आपको वो साड़ियां दिलाऊंगा जो आपने कभी देखी नहीं होंगी। जिग्ना जी क्या सिचुएशन है, कुछ पता चला आपको? अरे अभी तो मैं वही पता करने की कोशिश कर रही हूँ। आपको सासू मामा नानी माँ की बातें सुननी पड़ेंगी, वहीं से कुछ पता चलेगा आपको। ओ, एक मिनट, मैं दीदी के रूम की तरफ जा रही हूँ। दुर्गा आज मैं इतनी खुश हूँ कि पूछ मत। इससे नहीं, इससे साफ सुनाई देगा। मेरी एक्साइटमेंट, मैं तो कंट्रोल ही नहीं कर पा रही हूँ अपने आप को। कंट्रोल। अरे दीदी और नानी दीदी के रूम में है। अच्छा क्या बात कर रहे हैं? वो लोग बहुत खुश लग रहे हैं। अच्छा कान लगा के सुनिए जरा क्या बोल रहे हैं। माँ मैं बस सिर्फ इतना जानती हूँ कि मेरा शिव वापस आ रहा है। भूत? कैसा भूत, किसका भूत, क्या बोले जा रही हैं आप? वो दीदी कह रही है कि शिव वापस आ रहा है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। आपसे ना हो पाएगा जिग्ना जी। जी नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं, मैं फोन रखता हूँ, सी यू बाय। अच्छा ठीक है। गलत इंसान चुन लिया मैंने भी, मुझे ही करना पड़ेगा कुछ।